दिल्ली के मलकागंज क्षेत्र में सामाजिक संस्था राइट वर्क एसोसिएशन द्वारा जरूरतमंद बच्चों को कॉपियां बांटी गईं। इस दौरान सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर क्षेत्र में पौधारोपण भी किया। वहीं इस कार्यक्रम में पत्रकारों ने भी इस सामाजिक कार्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको बता दें, इस अवसर पर मुस्लिम युवा आतंकवाद विरोधी समिति के चेयरमैन मोहम्मद शकील सैफी मुख्य रूप से उपस्थित रहे और भविष्य में उन्होंने जरूरतमंद बच्चों को सहयोग देने की घोषणा भी की। जो हमारी राइट वर्क एसोसिएशन एनजीओ ने आज इतना बड़ा काम किया है, पुस्तकें बांटकर जो बच्चों की जरूरत की किताबें हैं, मैं उन्हें आश्वासन दिलाता हूँ कि अगली बार 150 बच्चों की पुस्तकें मेरी तरफ से। और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इस काम में मैं भी आपके साथ सहयोग करना चाहता हूँ और आपके कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा मैं चलता रहूंगा। जय हिंद जय भारत। भैया आधा लाना एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जाकिर भाई स्वागत करो, स्वागत करेंगे। जाकिर भाई स्वागत करोगे। आप लोग तालियों से बैठे हुए देखते लोग इतना अच्छा काम हो रहा है। इंडिया भाई स्वागत करें। उनमें जो सबसे छोटा बच्चा है उसको बुला तो बच्चे भी एनजीओ की तरफ से भाई साहब का स्वागत करेगी। और हम लोग ये निमित्त देते ये याद कर पर करना चाहते हैं और चाहेंगे कि भाई सदा उस एसोसिएशन का याद रखें। सब छोटे ताली लगे और इस मिलने के ऊपर उठा रहे एक बार मिलने के ऊपर उठा रहे ये भी याद कर पर है। कल आकर यहीं से आप लोग ले सकते हैं, ठीक है? हाँ जी बोलते हैं, ठीक है, ओके।